नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का सेकेंड नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स में मैं हूं कपिल काटपाल एंड उम्मीद करता हूं आप मेरे इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं अन प्लस पे जहां पर हमने अक्टूबर मंथ से अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस को किया है और एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा आगे जाने से पहले मैंने खैर कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया उसको Uh, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है कि ये क्लासेज कहाँ पर हुआ करेंगी ये क्लासेज अकेडमी प्लस पर ही हुआ करेंगी और फोर्थ ऑफ नवंबर से स्टार्ट होंगी uh, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक टाइम लगता है कोर्स पब्लिश होने में तो इसलिए मैं आज और कल यानी कि आज सेकेंड नवंबर और थर्ड नवंबर को मैं यूट्यूब पे ही क्लास लूंगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और फोर्थ ऑफ नवंबर से हम अकेडमी प्लस पे वैसे ही करंट अफेयर्स हाफ एनवर हाफ़ एन आवर की करंट अफेयर्स और हाफ एन आवर हम बैंकिंग एवं कंटिन्यू करेंगे एंड uh, जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ हैं जो पिछले दिन तीन चार क्लासेस आपकी नहीं हो पाई क्योंकि मैं दिल्ली था काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ का कि मैं बाहर था आउट ऑफ टाउन था मैंने खैर मैसेज भी ड्रॉप किया था बट स्टिल काफ़ी लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि सर क्लासेस नहीं हो रही क्लास नहीं हो रही तो आई थिंक शायद नहीं पता था उनको कि मैं पिछले तीन चार दिन से दिल्ली में था तो इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था मैं करंट अफेयर्स की पी भी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा था तो वो सब चीज़ें जो भी आपका बैकलॉग है वो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑफ नवम्बर को तक आपको मिल जाएगा ठीक है और फोर्थ ऑफ नवंबर से ही आपकी क्लासेस जो हैं रिज्यूम हो जाएंगी अन प्लस पे यूट्यूब पे जैसे डेली शॉर्ट वीडियोज़ आती रहती हैं वो ही आती रहेंगी वैसे ही ठीक है आरबीए बी कॉर्नर एंड अदर बैंकिंग न्यूज़ एंड अदर जो हमारे इम्पोर्टेंट uh, टॉपिक्स होते हैं जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही पिछले महीने जैसे हमने देखा वैसे ही इस मंथ भी कंटिन्यू रहेंगे और uh, जो फोर्थ नवंबर से जो क्लासेस आ रही हैं अकेडमी प्लस पे वो कोर्स अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो कोर्स अभी आज लेट इवनिंग तक या कल सुबह तक पब्लिश हो जाएगा जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा ताकि आप इजीली उसको एनरोल कर सको सर्च कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल एट द लिखोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा जहाँ पर आप मेरी क्लासेस की पी आपको मैं डेली वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ और मेरी क्लासेस के लिंक जो भी अकेडमी प्लस पे रहेंगे ठीक है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को ये आप कुछ मेरे बारे में पढ़ सकते हैं प्लस को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं इस तरह से लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लस को ज्वाइन करने के लिए पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन जैसे भी आपको चाहे एक साल का चाहिए छह महीने का चाहे ट्वेंटी फोर मस का पहली न्यूज आप सभी के सामने आई है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहां पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि मदद करेगा किसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहां पर मदद करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहां पर होते हैं ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स जो कि 10 या 20 महिलाओं के द्वारा समूह एक बनाया जाता है और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं जरूरतों को पूरा करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक महिला का एक ग्रुप बना दस महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और उसमें से एक महिला या सभी

अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और ये आई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर इंडिया का पहला मैं ओशियन मिशन समुद्रयान समुद्रयान इन्होंने लॉन्च किया है ये एक मिशन का नाम है ये जो मिशन है ये बेसिकली क्या मिशन है ये मिशन है आपका यहां पर समुद्र में एक्सप्लोर करना ओशियन को एक्सप्लोर करना ओशियन को कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा ओशियन में यहां पर ड्रिलिंग ड्रिलिंग करके drilling करके अंडर वाटर यहां पर ड्रिलिंग की जाएगी उसी को यहां पर समुद्रयान नाम दिया गया है और ये यहां पर लॉन्चिंग की गई है इसकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये आपका समुद्रयान जो है ये आपका इंस्टीट्यूट जो इन्वॉल्व है इसमें वो है नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु की जो कैपिटल है राजधानी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है इसी के साथ इंडिया यहां पर उन आ, कुछ कंट्रीज में आपका नाम आ चुका है उन कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिन्होंने इस तरह का कदम पहले उठाया है जिन्होंने यहां पर आपका इस तरह के मिशन कैरी आउट किए हैं जिनमें यूएसए रशिया जापान फ्रांस एंड चाइना यहां पर शामिल है इस मिशन में यहाँ पर एक इक्विपमेंट कह सकते हैं नाम उसका रखा गया मतस्या, मतस्या, यानि कि मतस्या हम मछली को कहते हैं ड्रिलिंग होगी इससे एंड मैन सबमर्सिबल सबमर्सिबल ये तो कहते हैं जब वो ड्रिलिंग होती है आपकी उस चीज को ठीक है सो मैंड यानी कि मैन के द्वारा आदमी के द्वारा किया जाएगा इंसान के द्वारा यहाँ किया जाएगा डेल्प अंडर

फ्रांस इस चीज को ऑलरेडी कर चुकी हैं इंडिया के इस जो मैंड सरमरसिबल का नाम क्या है मत्स्य है है कितने मीटर मीटर तक तक जाएगा तक जाएगा इससे इससे ज्यादा इस ज्यादा या फिर रिकॉर्ड जो है, वो किसके नाम है चाइना के नाम है कितनी मीटर का रिकॉर्ड है ग्यारह हजार मीटर का नो रिकॉर्ड है किस क्या नाम है उसके सबमर्सिबल का नाम है फंडोजी ओके सो बहुत सारे क्वेश्चन इस न्यूज में से आपके निकल कर सामने आ रहे हैं ओके अगली न्यूज है हमारी यहां पर मुख्यमंत्री आवासीय भू दिकर योजना ओके भू दिकर योजना यहां पर है ये है आपकी आ, जस्ट सेकेंड ओके सो यहां पर भू धिकर योजना ये है मध्य प्रदेश की योजना जिसके तहत गवर्नमेंट यहां पर जो है आ, लैंड्स प्लॉट ऑफ लैंड्स फैमिलीज़ को प्रोवाइड करेंगे यानी प्लॉट प्रोवाइड को जिनके पास किसी का ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा उनको यहाँ पर प्लॉट्स और उनके ऊपर जो घर बनाने के लिए जो सुविधा दी जाएगी वो प्रोवाइड की जाएगी अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसके तहत आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है सस्ते दरों पर या फिर इवन कि ये कह सकते हैं कि उसमें इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट जो भी आपका चार्ज होता है उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा वहन किया जाता है स्कीम प्रोवाइड रेजिडेंशियल प्लॉट्स टू द एलिजिबल फार्म फैमिलीज ऑन दी आबादी लैंड इन ईच ग्राम पंचायत हर एक ग्राम पंचायत में एलिजिबल होंगे एंड मैक्सिमम एरिया जो दिया जाएगा वो 60 स्क्वायर मीटर यहां पर दिया जाएगा ओके सो ये चीज आपकी हुई है मध्य प्रदेश स्कीम मध्य प्रदेश स्कीम के द्वारा यहां पर आपका आ, एक स्कीम लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री आवासीय भूधिकर योजना यहां पर लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ग्राम पंचायत ना साठ स्क्वायर मीटर यहाँ पर एरिया है लैंड का अगली न्यूज है यहाँ पर रेमके एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड ये नाम है एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है चेयरपर्सन बी एस शांत राजू है एंड एंड गौतम रेड्डी इनके द्वारा किया गया है, दुनिया का अपने आप में पहला तो नहीं कहेंगे वन ऑफ दी वर्ल्ड फर्स्ट कुछ दुनिया में और भी हैं यहाँ पर और इंडिया का लार्जेस्ट लैंड फिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सो बायोग प्लांट यहाँ पर एक किया गया है इसको इनाइग्रेट दुनिया इंडिया का पहला लार्जेस्ट लैंडफिल है

बनाई जाएगी और इसके अलावा तकरीबन एक मिलियन टन पर एन एम ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये सब चीजें कलेक्ट करके छे मिलियन यहां पर सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करके और एक मिलियन टन यहां पर आपका इंडस्ट्री से जो आपका वेस्ट निकलता है उसको कलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके यहाँ पर बायोगैस बनाई जाएगी और बायोगैस को कहां सेल किया जाएगा भाग्यनगर गैस लिमिटेड में किया जाएगा और कहाँ पर ये किया जा रहा है हैदराबाद में किया जा रहा है और ये इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस बायोगैस प्लांट होगा और किसने इसको बनाया है राम के एंड इंजीनियर्स लिमिटेड राम का नाम याद रखना पड़ेगा जगह का नाम याद रखना पड़ेगा भाग्यनगर का नाम है छ मिलियन फिगर एंड दी वन मिलियन फिगर एंड दिस इज सच स्ट्रेटिक अबाउट दी राम के एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ओके चलिए आगे चलते हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर

transforming healthcare for better tomorrow ये इस इवेंट की यहाँ पर थीम रही यहाँ पर पांच ऐसे क्रिटिकल एज पर फोकस किया गया है जिसमें है अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी एडॉप्शन अकाउंटेबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। ओके सो ये पांच ऐसे क्रिटिकल एज हैं जिन पे यहाँ पर फोकस किया गया है एंड CII ने एक रिपोर्ट भी लॉन्च की जिसका टाइटल था टेलीमेडिसिन डीमिस्टिफाइड नेसेसिटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक

जॉइंट स्टडी है बाय द CII CII एंड द इकोआ के बीच में एक जॉइंट स्टडी है जो कि यहाँ पर की गई है और फाइनली एक रिपोर्ट टाइटल जिसका ये रहा वो सामने आया अब इसी मौके पर यहां पर ये लॉन्च किया गया CII ने इसी रिपोर्ट को लॉन्च किया और मौका क्या था मौका था CII एशिया हेल्थ 2021 समिट थी ठीक थी। है सो so ये समिट हुई थीम याद रखने वाली है थीम याद रख लेगा ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो ये आपकी थीम है पूछी जा सकती है और पांच एज कौन कौन से हैं जिस पर इन पर एक बातें की गई जिन पर चर्चा की गई और वो पांच ए हैं अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी एडोपशन अकाउंटेबिलिटी एंड दफोर्डेबिलिटी ये पांच ए है जिन पे यहाँ पर चर्चा की गई है ओके अगली न्यूज है हमारे यहाँ पर आपकी नाइनटीन मीटिंग ऑफ द प्रोजिक्यूटर जनरल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स वाज होस्टेड बाय द तुषार मेहता जो कि सोलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है सोलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता इनका नाम है इनके द्वारा यहाँ पर उन्नीसवीं मीटिंग प्रोजिक्यूटर जनरल ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर आयोजित किया गया तुषार मेहता के द्वारा आयोजित नहीं होंगे होस्ट किया गया यहाँ पर आपका और एस सी ओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके सेक्रेटरी जनरल वलादिमीर नोरोव है बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है एंड इंडिया के अलावा सात और देश इसके मेंबर है एससीओ सी यहाँ पर प्रोजिक्यूटर ने इसी मौके पर यहाँ पर एक प्रोटोकॉल साइन किया या एक एग्रीमेंट कह लीजिए साइन किया जिसके तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यहाँ पर इंसानों की आपकी इंसानों को यहाँ पर एक देश ट्रैफिक किया जाता है यानी बेचा जाता है ओके आ, उसको यहाँ पर रोकने की कवायद शुरू की जाएगी एंड जो कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ ज्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है यह वाला और बीसवीं मीटिंग ऑफ दी प्रोसिक्यूटर जनरल पर आप बीसवीं मीटिंग प्रोजिक्यूटर जनरल ऑफ एस हेल्ड इन रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान इन ट्वेंटी सो ओके सो दिसंटी जनरल होस्टेड बाई दुषार मेहता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया साइन अ प्रोटोकॉल टू डील विद द ह्यूमन ट्रैफिकिंग राइट चलिए ये है उन्नीसवी मीटिंग आपकी आयोजित की गई है अगली न्यूज पे चलते हैं यहाँ पर आपका फेडरल बैंक एंड आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंटर इंटर बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप बैंक का इंश्योरेंस यानी कि एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक टाइप करते हैं जिसको हम बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं और इस टाइप में यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बैंक के कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है ठीक है या फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी के उसको हम बैंक का इश्योरेंस कहते हैं सो ये आपकी टाइप हुआ है फेडरल बैंक एंड दी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच में बैंक इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी अगर इंश्योरेंस कंपनी है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर उसके अंदर किसी भी बैंक का 10 परसेंट से ज्यादा आपका हिस्सा नहीं हो सकता किसी भी दो कंपनीज का सॉरी मैंने एक कंपनी बोला किसी भी दो कंपनीज में यहां पर किसी भी एक बैंक का 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता यानी कि उसके शेयर्स उसमें उससे ज्यादा नहीं हो सकते किन्हीं दो इंश्योरेंस कंपनी में एक इंश्योरेंस कंपनी में चलेगा एक से ज्यादा नहीं हो सकते जो कि हाल ही में आपने केस देखा होगा पीएनबी बैंक साथ एनबी बैंक में क्या है पी पहले पहले जो मर्जिंग हुई है PNB, OBC की मर्ज PNB में OBC का का बैंक इंश्योरेंस या कह सकते हैं जो हिस्सा था वो कैनरा एच एस नाम की कंपनी थी इंश्योरेंस की उसके साथ था ठीक है PNB का जो हिस्सा था इंश्योरेंस कंपनी में वो था पी एनबी मेट लाइफ तो हाल ही में आईआरडीए के रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी रूल बताया ये का रूल है आई का रूल है जो कि रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का उस रूल के अकॉर्डिंग जो कि ये कहता है कि अब जो मर्जिंग हो चुका है पीएनबी ओबीसी का यानी कि अब अकेला पीएनबी नाम ही है आपके सामने तो इन दोनों कंपनीज में पीएनबी मेटलाइफ और यहां पर कैनरा एचएसबीसी ओबीसी में दोनों कंपनीज में यहां पर कंपनीज में 10 10 परसेंट से हिस्सा है अभी फिलहाल तो इस चीज को यहां पर किसी भी एक कंपनी को यहां पर खत्म किया जाए खत्म इन कि अपना शेयर वापस ले लिया जाए तो इसी के रिलेटेड यहां पर हाल ही में पीएनबी ने डिसाइड किया कि कैनरा एच ओबीसी में से उसका हिस्सा वापस ले लिया जाएगा सारा का सारा और केवल और केवल पीएनबी मेटलाइफ ही उसकी एक एजेंसी रहेगी जिसमें दस परसेंट से ज्यादा उसका हिस्सा रहेगा यही चीज होती है बैंक का इंश्योरेंस जो कि अभी फिलहाल फेडरल बैंक एंड आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने किया है आदित्य बिरला एंड दी फेडरल बैंक के स्टेट इफेक्ट आपके सामने हैं। अगली न्यूज पे चलते हैं बुक टाइटल दी जॉन लैंग ओके जॉन लैंग नाम की एक बुक लिखी है यहां पर आपकी एक सेकेंड मैं एक से लास्ट सबसे लास्ट में पहुंच गया वही मैं सोच रही हूं तो सबसे लास्ट में थी ओके ठीक है सो यस बैंक एंड बैंक बाजार डॉट कॉम ने दोनों ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जिसका नाम है फिन बूस्टर ओके फिन बूस्टर इसका नाम है यहां पर किसने लॉन्च किया है यस yes, बैंक एंड बैंक बाजार डॉट कॉम ने मिलकर सो बैंक बाजार एंड दी दोनों ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया नाम उसका रखा है फिन बूस्टर जो कि रहेगा क्रेडिट कस्टमर की कमर्शियल इंफॉर्मेशन कस्टमर की, 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 आ, की क, जो आपकी सॉरी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है सीआईआर जिसको हम कहते हैं सीआईआर अगर रेगुलर फॉलोअर है तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी मुझसे जरूर सुना होगा सी आई आर के बारे में चाहे यूट्यूब पे चाहे कहीं पर भी सी आई आर आपकी चार कंपनीज लगा न, मिलाती हैं ओके जो कि मैंने खैर परसों भी एक वीडियो डाली थी ठीक है तो उसमें भी आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्रिलिक वाली वीडियो में जिसमें सी आई आर के बारे में बताया हुआ था ठीक है सो so ये सी आई आर आपके सारे के सारे क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड बताती है कि पिछले दिनों, पिछले दिनों सालों में आपने कहा से कौन कौन सा लोन लिया कौन कौन से बैंक से लिया तो अगर किसी कस्ट किसी भी पर्सन को ये पता चलता रहे कि मैं पिछले कितने सालों में क्या क्या लोन लिया वैसा पता तो होता ही है ऐसा नहीं है लेकिन एक ट्रैक बनाने एक ट्रैक रखने के लिए भाई मेरी जो ट्रैकिंग जो मेरी हिस्ट्री है जो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री

रहेगी ओके सो तो ये चीज आपकी यस बैंक ने बैंक बाजार के साथ मिलकर की आ, अगली न्यूज है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 250 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू सपोर्ट द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया सो तो यहां पर 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और ये किया गया है ताकि इंडिया के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट मिल सके ओके वाहरी आ गई यार चलो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली एक चीज बता देता हूँ वैसे न्यूज से थोड़ा सा हटकर ऑफ टॉपिक है बट चलो अच्छी बात है जो भी हुआ हमेशा सैलरी जो आती है आपकी बैंक की वो ट्वेंटी फिफ्थ को आती है हर एक बैंक की ऑलमोस्ट को आती है ज्यादातर बैंक्स की मगर जब जिस महीने में दिवाली होती है ना फॉर एग्जांपल जब भी, भी दिवाली हुई फॉर एग्जांपल इस बार फोर्थ ऑफ नवंबर को दिवाली है तो इस बार की सैलरी जो ट्वेंटी ऑफ नवंबर को आनी थी ना वो आज ही आ चुकी है टू सेकेंड ऑफ नवंबर को ठीक है चलो अच्छी बात है कि आपको तकरीबन तेईस दिन पहले सैलरी मिल गई मगर इसमें थोड़ी सी बुरी बात तब होती है क्योंकि दो नवंबर को सैलरी मिल जाती है फिर अगली सैलरी आपकी पच्चीस दिसंबर

चलो कंटिन्यू करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ढाई सौ मिलियन यूएस डॉलर मैंने बात की नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे मुझे अभी जस्ट एस एम एस आया सैलरी क्रेडिट होने का इसलिए मैंने बताया ऐसे मेरे दिमाग में तो कहां से आता है ना इसलिए बताना दिस इज द फर्स्ट सब प्रोग्राम ऑफ द प्रोगेटिक पांच सौ मिलियन डॉलर लोन टू डेल्प दिलेवन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अक्रॉस दिन स्टेट ओके सो यहां पर आपका फर्स्ट सब प्रोग्राम ऑफ द प्रोगिक पांच सौ मिलियन यूएस डॉलर लोन का एक पार्ट है यहाँ पर आपका जिसमें ढाई सौ मिलियन डॉलर नेशनल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया के लिए दिए गए और ये 500 सौ मिलियन में ढाई सौ मिलियन दिए गए हैं और ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके तहत तकरीबन ग्यारह ऐसे एरियाज जो हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है यहाँ पर आपकी एंड वहां पर आपका तकरीबन सत्रह स्टेट्स में सत्रह स्टेट्स में यहाँ पर ये डेवलप किया जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस प्रोग्राम के तहत तो यहाँ पर आपके और आखिरकार है क्या ये आखिरकार ये वाला फंडा है ठीक है इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके से स्टेब्लिश की जाएंगी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बिल्ड की जाएगी ये सब चीजें यहाँ पर बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ढाई मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है ओके आई होप आप समझ गए होंगे मिलियन याद रखना पांच सौ मिलियन याद रखना सत्रह स्टेट्स को आपको याद रखना है समथिंग अबाउट ओके, चलिए। आगे चलते हैं हम न्यूज पे एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग २०२१। ओके एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021 ट्वेंटी okay, यहां पर आपकी uh, टोटल ऑफ एटी फोर इंडियन एयरफोर्स पर्सनल टुक पार्ट इन द इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाम की एक्सरसाइज अभी आयोजित की गई किसके द्वारा इजराइल के द्वारा आयोजित की गई इजराइल इजराइल के द्वारा यहां पर आयोजित की गई है यहां पर इजराइल इंडिया का अच्छा दोस्त माना जाता है ओके सो ब्लू फ्लैग 2021 ट्वेंटी वन अलोंग विद इंडियन एयरफोर्स मिराज ट्वेंटी टू थाउजेंड एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचा इसराइल के ओबडा एयरबेस में सो so, इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पहले भी पार्टिसिपेट किया हुआ है स्टार्ट कर चुका था नवंबर 2017 में और ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज जो 2013 में स्टार्ट हुई थी इस ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में तकरीबन आठ कंट्रीज की एयर फोर्सेस यहां पर शामिल होती हैं अपनी नॉलेज शेयर करती हैं और यहां पर अपना जो एक, एक एक्सपीरियंस शेयर करती हैं ठीक है ओके और थीम है इसकी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल ये इसकी इस बार की थीम है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और बाकी जो आठ कंट्रीज एक तो इंडिया हो ही गया और बाकी सात

ओके okay, चलिए इसराइल प्राइम मिनिस्टर हैं आपके कैपिटल हैं एंड द करेंसी इज द इसराइली शकल

आपके 2020-21 के दौरान 2020-21 का मतलब एक अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च इस दौरान उन्होंने तकरीबन 9,713 करोड़ दान के में आपके दिया है और उसके बाद एच के शिव नादर दूसरे स्थान पर है जिनके द्वारा वन टू सिक्स थ्री करोड़ रुपए यहां पर फॉर्म में दिया गया और जो हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी इनका तीसरा रैंक रहा इन्होंने 570 करोड़ रुपए यहां पर दिया आपका दान में ओके okay, सो so ये लिस्ट आप रिलीज की गई किसके द्वारा एडल गिव के द्वारा अजीम प्रेम जी सेकंड रैंक शिवनादर तीसरा रैंक मुकेश अमानी। अलोंग विद द अमाउंट आपको याद रखनी पड़ेगी 97131263 एंड द 577 करोड़ रुपीस ओके okay, चलिए आगे चलते हैं हम Uh, दो अपॉइंटमेंट्स आई हैं पहली अपॉइंटमेंट दोनों अपॉइंटमेंट रिलेटेड हैं आपस में पहली अपॉइंटमेंट है एनसीएल की दूसरी अपॉइंटमेंट है एनसीएलटी की एनसीएल क्या होता है नेशनल कंपनी लो अपीले ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल अब यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये समझते हैं उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट पे आएंगे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल को जानते हैं पहले नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल एक ऐसी संस्था तो नहीं कहूंगा मगर एक ऐसा कोर्ट है एक ऐसा यहाँ पर अलग से बेंच है जिसको कोर्ट की भाषा में हम बेंच बोलते हैं सो एक ऐसा बेंच है या फिर एक ऐसी कोर्ट है जहां पर कंपनी से जुड़ी हुई यहां पर जो मुद्दे होते हैं या फिर कोशिज होते हैं कोर्ट केसेस वो यहाँ पर एंटरटेन किए जाते हैं वो यहाँ पर आपके दिखाए देखे जाते हैं कोई भी कंपनी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का केस है वो एनसीएल नाम के जो स्पेशलिस्ट कोर्ट है उन्हीं में यहाँ पर डील किया जाता है ओके और एन क्या है अगर आप एन के फैसले से दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का कोर्ट केस हुआ अगर आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में या कुछ भी आपके अगेंस्ट अगेंस्ट अगर केस आपका आपका गया है उसका डिसीजन तो अगर आपको उस अगेंस्ट जो डिसीजन आपके गया है उसके अगेंस्ट यहाँ पर आपको अपील करनी हो तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो रहती है अपील करने की दैट इज दी एल ए टी

NCLT के जो चेयर पर्सन है, हैं वो अपॉइंट किए गए हैं अशोक भूषण साहब जस्टिस अशोक भूषण जी को यहाँ पर इसका अपॉइंट किया गया है 4 सालों के लिए चेयर पर्सन और यहाँ पर जो NCLT है NCLT के यहाँ पर चेयर पर्सन अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस रामलिंगम सुधाकर इनको अपॉइंट किया गया है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा उनका चेयर चेयरपर्सन जो की चीफ जस्टिस रह चुके हैं मणिपुर हाई कोर्ट के और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं एनसीएलटी की बात करो तो सेक्शन 410 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बना था जो भी एनसीएलटी में आपके केसेस होते हैं उनके अपील उनके अगेंस्ट अपील को देखने के लिए सुनने के लिए प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में और उसका एक और बेंच है जो की चेन्नई में है इसके दो बेंचेज है एनसीएलटी के चेन्नई एंड दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच में मेन बेंच न्यू दिल्ली में बैठता है एंड एनसीएल की बात करो तो सेक्शन फोर के तहत था और इसका प्रिंसिपल न्यू दिल्ली में टोटल पर 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 इसके लोकेशन हैं 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 और और केसेस आप जा सकते हैं, लड़ सकते लड़ से जुड़े हुए आपके और वो यहां पर नाम उनके दे हैं। नाम याद हो सकते हैं, तो कर लीजिएगा नहीं याद हो सकते तो, क्या कर सकता हूं? याद तो ही पड़ेंगे आते हैं तो आते हैं आजकल सो so ये है आपके चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट दोनों के एनसीएलटी के और एनसीएलटी के सेक्शन याद रख लेगा कंपनीज़ एक्ट लोकेशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है दोनों के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है एंड इधर बेंचेस के नाम प्रिंसिपल बेंच के नाम इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन हर एक शब्द इस न्यूज में से क्वेश्चन बना रहा है अगर आप अगला चेयरपर्सन पढ़ के चले गए चेयरपर्सन तो सभी लोग पढ़ के जाएंगे लेकिन जो नहीं पढ़ के जाएंगे वो नीचे वाला पोर्शन है जो मैंने बताया आपको सेक्शन हुए प्रिंसिपल बेंच हुए अदर बेंचेस के नाम हुए ये सब चीजें अवॉइड करते हैं स्टूडेंट जो हमेशा दिक्कत आ जाती है जो नए स्टूडेंट्स हैं खैर वो आज इसको अवॉइड करते हैं लेकिन जो पुराने हैं वो समझ आते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया हो तो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको उस वे में याद करना पड़ेगा ओके अगली न्यूज है यहाँ पर ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप यहां पर एमसीसी एमसीसी है यहाँ पर मैलीबोर्न क्रिकेट क्लब मेलीबोर्न क्रिकेट क्लब यहां पर आपका है जिसने रिलीज किए 18 क्रिकेटर्स की सूची जिसमें 16 मेल एंड दो फीमेल यहाँ पर प्लेयर शामिल हैं और इसमें अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर प्लेयर हैं ये अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर हैं मगर अब अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर याद करने बैठोगे तो आप शायद जो इंपॉर्टेंट है वो शायद भूल जाओगे जो कि हैं हरभजन सिंह एंड जवागल श्रीनाथ इंडिया के दो फेमस बॉलर्स हैं इंडिया के इन दोनों का नाम तो आपके टिप्स पे होना ही चाहिए हर हालत में होना चाहिए और अलग से क्वेश्चन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये पूछता आपसे मैं डेफिनेटली दो फीमेल प्लेयर्स के नाम पूछता कौन कौन है सारा टेलर एंड सारा मैकलेशन ओके और अगर थोड़ा सा और मैं हटके और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन में आ जाता तो मैं ये पूछता सारा टेलर एंड सारा मैगलेशन कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है सारा टेलर इंग्लैंड से बिलोंग करती है ये रहा इनका नाम एंड न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है सारा मैगलेशन और न्यूजीलैंड की इकलौती ऐसी क्रिकेटर को शामिल किया गया जो कि महिला है और किसी को शामिल नहीं किया कि सिर्फ महिला को ही शामिल किया गया और वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है थोड़ा घुमा फिरा के समझ रहे हो मेरी बात उम्मीद कर तो समझ गए होंगे बाकी आप नाम याद रख लीजिएगा कोशिश कीजिएगा नाम याद हो जाए पूछे जा सकते हैं काफी पुराने पुराने प्लेयर हैं ठीक है नए प्लेयर में से बहुत ही कम है शायद आप में से काफी लोग इन प्लेयर्स को जानते भी नहीं होंगे खैर ये आ, मेरे जमाने के प्लेयर्स हैं आप लोगों के जमाने के तो अभी जो आप देखते हो विराट कोहली वगैरह उनको देखते हो ये एलिस्टर एलिस्टरकोकान बेल मार्कस्टस्को तक ये सबको मैंने खेलते हुए देखा हुआ है हाशिया मामला तो खैर अभी भी खेल रहे हैं गिब्स जैक कैलिस रिटायर हो चुके हैं मोकल रिटायर हो चुके हैं यान बश्यप तो मेरे से पहले के हैं चंद्रपोल देखा हुआ है इनको देखा हुआ है सरवन जी को एंड अलेक्स बैक ब्लैकवेल डेमिन मार्टिन ये सब प्लेयर काफी पुराने हैं हेरात भी श्रीलंका के बॉलर थे फास्ट बॉलर थे शायद याद आ रहा है मुझे और ग्रैंड फ्लावर माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर ग्रैंड फ्लावर एंड एंडी फ्लावर दो भाई होते थे और ग्रैंड फ्लावर ओपनिंग करते थे एंडी फ्लावर उनके ब्रदर थे विकेट कीपर थे जिम्बावे के जिम्बावे टीम ही खत्म हो गई जब फ्लावर फ्लावर ब्रदर्स गए रिटायर हुए उसका जिम्बावे टीम बिल्कुल ही खत्म हो गई ओके इनके ऊपर ही पूरी पूरी जिम्बावे टीम ख... खड़ी हो जाती थी और इवन ऐसा होता था कि अगर ग्रैंड फ्लावर एंडी फ्लावर पिच पे टिक गए तो आपको जिम्बावे टीम को ऑल आउट करना या जिम्बावे टीम को हराना मुश्किल हो जाता था ऐसी हालत है पूरी जिम्बावे टीम ऐसी ही दिन दोनों पे चलो ओके सो एमसीसी सी सी ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप ये अच्छे से याद रख लीजिएगा उम्मीद करता हूँ याद रख लोगे नेक्स्ट न्यूज है अहमद शाह अहमद जई

और बहुत सारे लोग आई डोंट नो वाई इस तरह से बिहेव करते हैं कि आप लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है जो मैं बताना चाहता था मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है फिर भी आप एक ही चीज पूछे जा रहे हैं पूछे जा रहे हैं वो आपको पता है क्या पूछ रहे हैं तो प्लीज रीड दी पिन कमेंट इसलिए तो पिन कमेंट करते हैं आप लोग जो चीज़ें देखने वाली होती है वो तो देखते नहीं हो और इधर उधर की डिस्कशन में टेलीग्राम ग्रुप में लग जाते हो ठीक है जहां पर बहुत सारे टीचर्स की बुराइयां भी करते रहते हो जबकि जो चीज काम की चीज होती है वो नहीं देखते और काम की चीजें पढ़ते नहीं हो ठीक है तो इसी के साथ अलविदा लूंगा आज के सेशन में अलविदा तो नहीं लूंगा बट ये कहूंगा कि आज के सेशन का यहीं पर एंड करूंगा और रात को मुलाकात करेंगे दस बजे एमसीयू क्लास में एमसीयू क्लास के लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इनकेस अकेडमी प्लस ज्वाइन करना है तो कर लेना क्योंकि चार तारीख से सुबह साढ़े बजे वहीं पर ही करंट अफेयर्स और बैंकिंग की क्लासेस हुआ करेंगी ऑन अ डेली बेसिस जैसे होती हैं अभी आपको वहां पर

सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड टेक केयर लव यू ऑल बाय बाय सी यू अगेन रात को दस बजे मुलाकात करते हैं